नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। जालौन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत एसओजी सर्विलांस टीम की मदद से उरई कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश के पास से तमंचा तथा नकदी बरामद हुई है। इस दौरान उसका एक साथी भागने में सफल रहा है। पुलिस ने जिस बदमाश को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। इस मामले के बारे में अवगत कराते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि 20 मार्च को एसओजी सर्विलांस और उरई कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 5 बदमाश आज दिनांक 12 अप्रैल को पुलिस का जो अभियान, जालौन पुलिस का अभियान अपराधियों के खिलाफ, खासकर दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो चल रहा है विगत माहों से, उसमें आज सूचना मिली थी एक दुर्दांत अपराधी भोला शंकर किसी आपराधिक वारदात को करने अपने एक साथी के साथ यहाँ आया हुआ है जिले में। ये अपराधी औरैया का रहने वाला है। इसके ऊपर अनेक दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, लूट, आबकारी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के। इस सूचना पर एसएचओ कोतवाली व एसओजी व सर्विलांस की टीम ने प्लानिंग की, जाल बिछाया। ये दुर्दांत अपराधी को जब रोका गया तो इसने पुलिस पर हमलावर हुआ, इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसको न्यूट्रलाइज किया। इसका एक साथी फरार हो गया, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके जो गोली लगी थी उसके उपचार हेतु इसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 30,000 लूट के बरामद हुए व 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस भी मिले हैं। 1 अदद खोखा कारतूस जो इसने फायर किया था पुलिस के ऊपर, वो खोखा भी बरामद हो गया है। जो टीम गिरफ्तार किया, जिस टीम ने इसको गिरफ्तारी की है दुर्दांत अपराधी को, उसको डीआईजी साहब की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसके और भी कोई साथी वगैरह? इसके काफ़ी बड़ा गैंग था इसका, इस अपराधी का। इसके एक बार पहले भी, इस 1 महीने पहले जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 1-2 साथी और पकड़े गए थे। ये उस समय फरार हो गया था, इसकी पुलिस को तलाश थी। आज हमने कामयाबी हासिल करी इसको गिरफ्तार करने में। सर, मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी? 1 पुलिसकर्मी घायल है जिसको इलाज के लिए भेजा गया है, वो सकुशल है। बाकी इसका भी इलाज हो रहा है, ये अभियुक्त का, इसका भी इलाज चल रहा है, ये भी आउट ऑफ डेंजर है।